हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कलेक्शन मेंटर में। और हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करा रहे हैं, इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट जो है वो हम लोगों ने उठाए हैं किरण पब्लिकेशन के, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट में से एक माना जाता है। और भी प्रैक्टिस सेट हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और एक टारगेट रखा हुआ था कि 45 सेट जो है वो हम लोग को सॉल्व करने हैं, 45 सेट सॉल्व करने हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग फोर्थ मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो जनरल स्टडी का वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी आपको लोगों को रीजनिंग और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यूसली मिलने वाले हैं। सो डोंट वरी, अभी यहाँ पर सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में आपको दिखाई देंगी। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले ही क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो हैं आरआरबी, मैं कोशिश करूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो भी मैं आपको अपडेट करूँ, जो नोटिफिकेशन हैं उनको भी क्लेरिफाई करता चलूँ। इनके साथ साथ कई सारे आप लोगों को वीडियोज आपसे मिलना शुरू होंगे। सो विदाउट किसी भी समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है बेटा, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली की कुर्सी का आविष्कार किया था, मैं आपको बताऊं, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किया था पहली बात तो अल्फ्रेड ओ साउथविक ने। लेकिन इससे बड़ी बात यह कि बिजली की कुर्सी होती क्या है, ये एक प्रकार से डेथ चेयर होती है और इसका आविष्कार जो है 1881 में इन्होंने किया था, 1881 में अल्फ्रेड ओ साउथविक ने किया था बेटा। और इसका प्रयोग जो है वो लोगों को फांसी की तरह सजा जैसे दी जाती है, डेथ जैसे दी जाती है, वैसे इसमें दी जाती थी, तीन चार शॉक लगा करके व्यक्ति के शरीर को डैमेज कर दिया जाता था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो सबसे पहले तो मस्तिष्क ज्वर को इंसेफेलाइटिस के नाम से जाना जाता है बेटा। किस नाम से आता है जाना जाता है? इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ठीक है, इंसेफेलाइटिस नाम से इस रोग को जाना जाता है। और इसका मुख्य कारण जो है वो है वायरस। इसका मुख्य कारण क्या है? वायरस। हालांकि ये वायरस जो है वो मच्छरों के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका वायरस हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, मैंग्रोव वे पेड़ होते हैं जिनमें होता है। तो पहली बात तो मैंग्रोव जो होते हैं वो दलदल में पाए जाने वाले पेड़ होते हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं वो इस तरीके से बाहर निकली हुई जड़ें होती हैं, क्योंकि जो दलदल वाला इलाका होता है उसमें ऑक्सीजन की होती है कमी, तो जड़ें जो हैं वो ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर की ओर आती हैं। तो इसका मतलब ये श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है वो दलदल वाले इलाके में, दलदली इलाके में पाए जाने वाले वन पेड़ होते हैं, ठीक है। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो सुंदरवन का जहाँ पर डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहां पर जो फॉरेस्ट होते हैं उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से, रोडेंशिया स्क्यूरस का किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, ये रोडेंशिया स्क्यूरस जो है वो गिलहरी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। जंतु वैज्ञानिक नाम पद्धति में क्या होता है कि दो नाम रखे जाते हैं, एक स्पीसीज नेम होता है और एक जेनेरिक नेम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाईनोमिनल नोमेनक्लेचर। तो बाईनोमिनल का मतलब दो नाम की पद्धति, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाईनोमिनल नोमेनक्लेचर। और इसकी शुरुआत जो है वो कैरोलस लिनियस ने करी है। किसने करी है? कैरोलस, कैरोलस लिनियस, लिनियस, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये काफी क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल गए, ठीक है। चलिए आगे आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ जिसमें होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और अवकरण का मतलब होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन, रिडॉक्स, ठीक है। तो इसका जो है आंसर सही क्या हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज किसने करी है भैया? ये चीज यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आपको क्या मिलेगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज जो है वो 1776 में करी थी बेटा। कब करी थी? 1700, माफ कीजिएगा, 1772 में, सिक्स में नहीं, 1776 में करी थी।
आगे लिखा हुआ है, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एसएससी में भी कई बार पूछा गया है और रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था और ये गंग वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? गंग वंश के राजा थे। इसमें अगर कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो कृष्णदेव राय जो है ये तुलुव वंश के शासक हुआ करते थे, तुलुव वंश के शासक थे और विजयनगर साम्राज्य के राजा हुआ करते थे विजयनगर में, ठीक है। और इसके अलावा अशोक की बात करते हैं तो अशोक मौर्य था और अशोक मौर्य वंश का तीसरा महान जो है वो शासक था, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है, अगर चंद्रगुप्त के नाम के आगे अगर हम मौर्य लगा दें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इन्हीं का ये पोता है, कह सकते हैं ग्रैंड सन है अशोक, ठीक है। चलिए नेपाली भाषा में मुख्य रूप से किस, नेपाली भाषा आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा मुख्य रूप से देखा जाए तो सिक्किम में बोली जाती है, हालांकि सिक्किम में बहुत सारी अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वहां की एक भाषा है लेपचा, सिक्किम में एक भाषा है लेपचा, लेपचा। इसके अलावा सिक्किम में सिक्किमीज भी बोली जाती है, सिक्किमीज भी बोली जाती है, इसको हम लोग भूटिया भाषा भी बोलते हैं, भूटिया भाषा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। लिखा है किसी नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण बढ़ता है, घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या पहले से पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो पहले तो कर्जे का निर्माण का मतलब क्या हुआ? लोन देने की क्षमता, लोन देने की क्षमता, लोन मतलब कर्जा, कर्जे का निर्माण मतलब कर्जे को देना, बैंक जब कर्जा देगा तभी तो कर्जे का निर्माण होगा, लोन देने की क्षमता। तो पूछा जा रहा है लोन देने की क्षमता घटती है या बढ़ती है, या कोई परिवर्तन नहीं होती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? कब? जब नगदी जमा का अनुपात बढ़ता है। देखिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस होती है जिनके अनुसार बैंक्स को कुछ ना कुछ कैश जो है वो रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है, रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक। इसको आप यूज नहीं कर सकते, आप ऐसे समझिए कि जैसे सपोज अगर आपके पास 100 रुपए है तो बैंक ने कहा, आरबीआई ने कहा कि भैया 20 रुपए आप उसको जो है वो फिक्स कर दो, इसको आप क्या नहीं कर सकते हो, खर्च नहीं कर सकते हो, यानी कि अब बैंकिंग करने के लिए आपके पास 80 रुपए बचे और अगर कोई लोन लेने आ रहा है तो आप उसे इसी 80 रुपए में ही लोन दे पाएंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि नगद नगद नगदी जमा का अनुपात घट जाए, यानी नगदी जमा पहले कितना था 20 था, उसको घटा करके मान लेते हैं 10 कर लेते हैं, तो आप बताइए 100 में से अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 90 रुपए बचेंगे। तो पहले आप 80 रुपए का लोन दे पाते थे एज अ बैंक, अब आप एज अ बैंक 90 रुपए का लोन दे पाते हैं, इसका मतलब आपके लोन देने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 9, ठीक है। आगे है विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा बीटा और गामा का पता लगाने और उसकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण, तो इसका करेक्ट आंसर है गीगा काउंटर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? गीगा काउंटर, ठीक है। आगे आगे लिखा हुआ हेमाटाइट, हेमाटाइट एक अवस्थ है, किसका अवस्थ है? तो बेटा हेमाटाइट जो होता है, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे Fe2O3, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा दिख रहा है Fe2O3, सॉरी पर नहीं चल रहा, Fe2O3, ये इसका फॉर्मूला हो गया और आप देख रहे हैं ये Fe है तो इसका मतलब ये और किसका है, आयरन का, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आयरन। आगे अगला क्वेश्चन बता, अगले क्वेश्चन में बताया ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रशियन एक टर्म है जिसका नाम है कॉस्मोस, कॉस्मोस, और कॉस्मोस का मतलब ही होता है ब्रह्मांड, कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, और कॉस्मोलॉजी जो है उसी से बना हुआ, ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो कॉस्मोलॉजी से बना हुआ। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं के लिए बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी जो है वो टर्म प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कॉस्मोलॉजी जो टर्म है वो प्रयोग किया जाता है आपका भूकंप का अध्ययन के लिए, और मिनरोलॉजी जो है वो इनलाइन वाटर जो होता है, जैसे झरने का पानी है, नदी का पानी है, तालाब का पानी है, या लोग हैं झील है उनका पानी है, इन सब चीजों को अध्ययन, इनको अध्ययन के लिए मिनरोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ था। आगे लिखा हुआ उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर का, कौन सा होता है, 22 दिसंबर का, वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अडोल्फ हिटलर एक कहाँ का राजनेता था जिसने लाखों यहूदियों की हत्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो अडोल्फ हिटलर जो है वो जर्मनी का तानाशाह था, उसको हम लोग डिक्टेटर के नाम जानते हैं, और उसकी किताब है बर्लिन प्लान, बर्लिन प्लान, बर्लिन प्लान,
ये भी बहुत फेमस किताब है, वैन्यू बोवर की थी, वो बोल रही थी। अब हिंदी में उसको नूरा संघर्ष कहा जाता है, नूरा संघर्ष, नूरा संघर्ष। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा पॉइंट ऊपर बुरा पर आपको ये बोल रहा है, उसको आप समझ सकते हो। नूरा संघर्ष हिंदी में पूछा सकता है, इंग्लिश आपको बुरा सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखा पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह हुआ था, वह उसके शत्रु गौतम वर्णराव की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने लिखा काबू करी थी संयुक्ता को, किससे काबू करी थी संयुक्ता को, संयुक्ता को संयोगिता को नाम से भी जाना जाता है, संयोगिता। ठीक है, संयुक्ता को संयोगिता के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको ध्यान रखना, संयोगिता नाम से भी जाना जाता है संयुक्ता को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ यदि एक गेंद, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है, निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। गेंद, गेंद को ऊपर फेंकेंगे भाई तो किसी न किसी गुरुत्वीकरण से ऊपर जाओगी, और वो गुरुत्वीकरण क्या होता है, जी, चाहे आप गेंद को ऊपर फेंको चाहे गेंद ऊपर से नीचे आ रही हो, उस पर लगने वाला ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो जी होता है, और नीचे जब आ रही गेंद तब भी वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी से हुआ होगी। उसका मतलब जो गुरुत्वीकरण है वो क्या हुआ, गुरुत्वीकरण जो है वो स्थिर है, कॉमन है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वन। ठीक, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कोई वस्तु एक वृत्ति मार्ग में चक्कर काट रही है और उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह एक सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो सबसे बड़ी बात है उसमें औसत गति पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा हुआ औसत गति के बारे में पूछा हुआ। तो जब हम औसत गति की बात करते हैं तो संग्रह हमें याद रखना चाहिए, उसका औसत गति का संग्रह होगा कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो अब बताइए कुल विस्थापन कितना होगा, क्योंकि जो जो वस्तु है वो वृत्ताकार मार्ग को चक्कर लगा रही है, तो मान लेते हैं वो यहाँ से चलना शुरू करती है तो ये पूरा वृत्त कवर होगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो होगा, क्योंकि जहाँ से चले तो वहीं पहुंच गए। तो जीरो अपॉन समथिंग जो भी टाइम दिया है उसमें मतलब नहीं है, तो जब जीरो अपॉन कुछ भी टाइम दिया है तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा, यानी उसका आंसर क्या होगा, शून्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये बात वहां पर पूछी गई है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती हुई है 250, और उस समय देखा हुआ तो 245 सदस्य जो है वो राज्यसभा में है, 245। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है, तो राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र जो है, पहली बात तो वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया हुआ है, उसमें 24 तीलियां हैं आपको मालूम है, 24 ये बनी हुई है, हालांकि वो समय को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन समय के अनुसार क्या प्रदर्शित करती हैं, धर्म चक्र है वो, धर्म चक्र, ये धर्म चक्र है। अगर ये धर्म चक्र है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसको जो है गति करते रहना है, धर्म चक्र का मतलब है कि वो हमेशा गतिमान रहेगा, चलता रहेगा, और गतिमान रहेगा चलता रहेगा उसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये किस चीज की गति है, किस किस चीज को गति कर रहा है, वो हमेशा सत्य को गति कर रहा है, धर्म को गति कर रहा है, सत्य को गति कर रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, सत्य। आगे किताब लिखी हुई है अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी एंड मैनर, तो लाइफ लेस ऑर्डिनरी एंड मैनर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है सलमान रश्दी, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई, सलमान रश्दी। ठीक, यहाँ पर उसके अलावा और सर माफ कीजिएगा, सलमान रश्दी नहीं है, बेबी हल्दर, करेक्ट आंसर उसका वो है बेबी हल्दर, हल्दर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बेबी हल्दर। सलमान रश्दी की किताब जिसका नाम है सैटनिक वर्षो, सैटनिक वर्षो, सैटनिक वर्षो। ठीक है, उसके अलावा अरुंधति राव की जो किताब है बहुत फेमस किताब है, अरुंधति राव की जो फेमस बुक है उसका नाम है, अरुंधति राव की जो फेमस बुक है उसका नाम है भाई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राव की फेमस किताब का नाम क्या, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उनकी फेमस किताब है। चलो वापस आते हैं वहां पर, अगली किताब लिखी है बास कैपिटल, बास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो बास कैपिटल पुस्तक जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, पहली चीज।
उसके अलावा कई और नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें से दो नाम बहुत फेमस है, रूसो और टॉल्स्टॉय। तो रूसो और टॉल्स्टॉय की भी मैं कुछ फेमस किताबें बता दे रहा हूँ। जैसे रूसो की जो फेमस किताब है उसमें कोई सा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो किताब है वो किसकी है, ये रूसो की है। और टॉल्स्टॉय की है, लियो टॉल्स्टॉय उनको बोलते हैं, उनकी किताब एक बहुत ही फेमस है, वॉर एंड पीस। ये किताब भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे लिखा हुआ, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ह्यूमन स्कल में टोटल जो हड्डियां हैं वो कितनी होती हैं। तो ह्यूमन स्कल में कुल हड्डियां होती हैं 22, तो आपको ध्यान रखना है, और आपको बताना है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, आप जो कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले तो सार्क का फुल फॉर्म SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हिंदी में बक्षेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। और उसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल कौन नहीं है, उसमें शामिल थाईवान नहीं है, बाकी जितने भी दक्षिण भारतीय क्षेत्र है वो शामिल है, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वो सब शामिल है, ठीक है। तो उसमें भूटान शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लिखा, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताओ। तो अरब सागर जो है वो उस तरीके से अगर हम भारत को बनाते हैं तो आप देखेंगे अरब सागर में उस तरफ, यहाँ पर दूसरा पेज ले रहा है, उस बन ले रहा है, तो यहाँ पर उस तरीके से अगर देखा हुआ तो ये क्या नाम है आपका, लक्षद्वीप पड़ता है, तो उसका तरफ का आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप, ठीक है। बाकी श्रीलंका, ग्रीनलैंड तो यहाँ पर है, श्रीलंका तो हमारी कंट्री नहीं है, ग्रीनलैंड भी हमारे यहाँ नहीं है, अंडमान निकोबार पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोए बिना घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया हुआ था। ये बताया हुआ था नील्स बोर के द्वारा, किसके द्वारा बताया हुआ था, नील्स बोर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 25, ठीक है। 26 की तरफ चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो इसमें लिखा हुआ, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता था। तो परमाणु ऊर्जा प्रयोग करने के लिए जिस खनिज का उपयोग किया जाता है वो यूरेनियम, और यूरेनियम जो है वो कई विदेशों से मंगाया भी जाता है, जैसे 92 यूरेनियम 235 जो है, 235 जो है वो हमारे लिए काफी बड़ा उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा, सिरका नींबू और दही में पाया जाता है, ठीक है। सिरका भी खट्टा है, नींबू भी खट्टा है और दही भी खट्टा है, तीनों चीजें जो है वो सोया टेस्ट की है, इसका मतलब खट्टा क्या होता है, अम्ल होता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुड़, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा, बहुउद्देशीय नदी परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज रिवर जो हमारे प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, ये उसके बारे में किसने कहा कि ये हमारे आधुनिक भारत को नंबर है। तो ये कहने वाले शख्स का नाम है जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उनका नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये उनका कथन है स्टेटमेंट। अगले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले परमाणु संख्या 14 जो जिस परमाणु की परमाणु संख्या 14 है तो पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में जो लिखा हुआ है, पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 2p6 होंगे, फिर 3s2 फिर 3p6 होना चाहिए, लेकिन 6 तक तो आयोजन नहीं किया क्योंकि 2 2 4 2 2 4 6 4 10 10 2 12, अब 12 और 2 14, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, लेकिन कमी कितने की पड़ रही है, 6 की पड़ रही है, 4 की पड़ रही है, तो उसका तरफ आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। ओके, भारत का चावल भंडार किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन क्या हुआ, भारत का चावल भंडार किसे कहा जाता है। तो वार्षिक रूप में देखा हुआ तो आंध्र प्रदेश को वार्षिक रूप से चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, राइस बाउल कहा जाता है उसको आंध्र प्रदेश को, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल मतलब होगा, पश्चिम बंगाल में चावल खूब होता है, लेकिन पर हेक्टेयर के हिसाब से देखा हुआ तो आंध्र प्रदेश में उसकी खेती ज्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग उसको चावल का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे, पलायन वेग का दर क्या होता है। तो पलायन वेग का दर होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग वो वेग होता है जिसकी सहायता से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से हमें बाहर जाने में सहायता मिलती है, तो इसको हम लोग उसके वेलोसिटी कहते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो आप यहाँ पर 11 किलोमीटर लगाएंगे, ठीक है। कौन से बद स्थल में पत्थर से तराशे गए शिल्प नहीं है।
तो कौन से बौद्ध स्थल है जिसमें पत्थर से तलाशों का शिल्प नहीं है? तो ये है हमारा नागार्जुन कोंडा का जो शिल्प है, ये हमारे पत्थर से तलाशों का शिल्प नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन कोंडा। ठीक, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ पढ़ेंगे हम लोग, 33 की तरफ पढ़ेंगे, और उसमें लिखा हुआ है परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो, यानी परिपूर्ण कृष्ण पिंड कौन है जो उसमें से ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सभी अनुसांगिक विकिरण का वो अवशोषण करता है, बिल्कुल पहला वो आंसर सही है उसका, जितनी भी अनुसांगिक विकिरण है, जितने भी रिलेटिव कह सकते हैं कि जो विकिरण है उनको जो अवशोषित कर लेता है उसी को बोलते हैं कृष्ण पिंड। उसके बाद हीरा कुंड, हीरा कुंड का संबंध किस नदी से है? तो हीरा कुंड सबसे पहली बात तो वो बांध है, और हीरा कुंड बांध जो है, हीरा कुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है, कहाँ पर है? उड़ीसा में, और जिस नदी पर है उस नदी का नाम है महानदी। ठीक, उड़ीसा में महानदी में रहे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पृथ्वी, सॉरी एक क्वेश्चन छूट रहा है, एक या दो क्वेश्चन छूट रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो उसमें से बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वो, और उसका आंसर क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था, उनके अगेंस्ट में कोई भी राष्ट्रपति के रूप में नहीं खड़ा था, राष्ट्रपति के दावेदार के रूप में। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, कौन सा देश सहयोग कर रहा है गंगा नदी के सफाई कार्यक्रम के साथ? तो उसका करेक्ट आंसर जर्मनी, जर्मनी में सहयोग किया, जर्मनी में बहुत ही फेमस नदी बहती है राइन, राइन रिवर जर्मनी में बहती है, इसी चीज को जैसे राइन का सफाई हुआ बहुत अच्छे से, वैसे गंगा को सफाई का प्रयास किया जा रहा है। गाजर और आम किसका विपुल स्रोत है? तो गाजर और आम जो है वो विटामिन ए जो है उसमें बहुत पाया जाता है, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, और ये रेटौंधी जैसे रोगों से बचने में सहायता करता है। और विटामिन बी जो है, ये विटामिन बी से डेरी डेरी रोग होता है उसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से हड्डी से संबंधित रोग हो जाते हैं, रिकेट्स वगैरह जैसे रोग हैं वो हो जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, वृत्ताकार, चतुष्फलक या गोल? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ पृथ्वी का जो आकार है, पहले तो ये देख सकते हैं पृथ्वी है, तो इसके ऊपर का जो सरफेस है, आउटर सरफेस जिसको आप क्रस्ट बोलते हैं, वो इररेगुलर शेप का है, बिल्कुल उस तरीके से। क्यों है इररेगुलर शेप का? क्योंकि कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर गहरी खाइयां हैं, कहीं समतल है, कहीं समुद्र है, तो ऊबड़ खाबड़ हो, तो यही इररेगुलर शेप जो होता है उसी इररेगुलर शेप को हम लोग जियोइड बोलते हैं। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड आकार का है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 400 ms में कितनी बाधाएं होती हैं? तो 400 ms दौड़ की एक तरीके की स्पर्धा है, इसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो 10 बाधाएं होती हैं, इसमें कितनी बाधाएं होती हैं? 10 बाधाएं होती हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता, तो वो ऑप्शन कौन सा है? तो भारत में भुगतान की स्थिति को संतुलन करने में रुपया का मूल्यन जो है वो सहायता कर सकता है, तो ये नहीं होगा आंसर। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से इसमें सहायता हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो यही है, ऑप्शन नंबर 2 है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने सेट नंबर 4 के 40 क्वेश्चन जो थे वो लगाए, प्रति क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने लगाए, और इस तरीके से अगला जो है 35 सेट हम लोग 35 नंबर 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, और जल्दी ही लगाएंगे, शायद आज ही आप लोगों को या कल ही आप लोगों को मॉडल 35 मिल जाएगा, क्योंकि बीच में काफी ज्यादा आपको 35 नहीं मिल पाए, लेकिन अब लगातार आपको इस तरीके से 35 मिलेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी, तब तक आप उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उसका लिंक अपने दोस्तों को जरूर दीजिए, जिससे कि वो भी उनको भी सहायता मिल सके। थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।